अक्सर ही टीवी चैनल्स पर डिबेट शो होते रहते हैं। इन दिनों राम मंदिर को लेकर गहमा गहमी बढ़ गई है। इसी मामले को लेकर मीडिया ने भी अटेंशन दी है। मुद्दे को लेकर एक जाने माने न्यूज चैनल पर एंकर सुमित अवस्थी ने अपने कार्यक्रम आर पार में बहस की। इस डिबेट में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी मौजूद रहे, लेकिन डिबेट के दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कार्यक्रम में राम मंदिर बाबरी मस्जिद समाधान पर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के बिचौलिए वाली भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। इस दौरान सपा प्रवक्ता ने राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी की भूमिका पर सवाल उठाए। वो आगे कहते हैं कि आप पीछे वाले रोते रहो, आगे मत बढ़ना, बात बढ़ती ही जाती है। तभी सपा के स्पोक पर्सन अपनी बात कहने के दौरान कई बार हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, तो वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी सपा प्रवक्ता पर चुटकी लेते हुए कहा, आप क्यों रो रहे हो इतना। तो वहीं बहस को एक और तरफ देखकर एंकर सुमित को गुस्सा आ गया और उन्हें दोनों ही पार्टियों के नेता को टोकना पड़ा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।